हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईशा मेरा दिस साइड। आज मैं आपके लिए, अगर आप भी पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स बनने वाले हैं, आपको भी गुड न्यूज मिलने वाली है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताऊंगी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके बच्चों को हेल्प करेंगे उसका माइंड डेवलप करने में, माइंड शार्प करने में और उनकी नॉलेज को बढ़ा देंगे। बहुत बेसिक है जो आप 2 to 4 ईयर्स के बच्चों को आसानी से लर्न करवा सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, जितना स्कूल से होमवर्क मिला वही करवाते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा अपना माइंड नहीं लगाते हैं बच्चों के साथ। अपने फोन में जरूर लगे रहेंगे, व्हाट्सएप जरूर चेक करने का टाइम होता है, फेसबुक जरूर चेक करते हैं, हस्बैंड के साथ घूमने का टाइम होगा, बाहर गप्पे मारने का टाइम होगा, लेकिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, जो बहुत चीज मुझे गलत लगती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमने स्कूल में डाल दिया तो बस हमारा बच्चा ग्रेस मार्क्स पे पास होता रहेगा, तो छोटा ही तो है, फर्स्ट आके क्या करेगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप बच्चे का बेस बनाएंगे ना, तो तभी जाकर उसको पढ़ाई करने की आदत पड़ेगी, उसका माइंड डेवलप होगा। किताबी कीड़ा मत बनाइए कि जितना टीचर ने दिया उतना करवाइए। अपनी तरफ से आपने एज अ पेरेंट्स उसके लिए क्या एफर्ट करा। पेरेंट्स का रोल यही खत्म नहीं होता कि हमें फीस भरनी है और उसको स्कूल भेज देना है, ज्यादा ज्यादा फीस भरे, ट्यूशन भेज दे, ऐसा नहीं होता। जानती हूँ वर्किंग है तो प्रॉब्लम, अदरवाइज आपको फिर भी जब आपका ऑफ होता है तो भी आपको चलते फिरते बच्चों के साथ प्ले करते हुए बहुत सी चीजें आप उनकी नॉलेज बढ़ा सकते हैं जो पूछनी चाहिए, जिसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। अगर आप बच्चों को आज से उनकी नॉलेज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब जाके उनका माइंड बहुत डेवलप होगा, वो बहुत कुछ सीख जाएंगे बहुत ही कम एज में। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो क्या चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं जो आप बच्चों से पूछ सकते हैं और उनको बना सकते हैं इंटेलिजेंट। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और बहुत ज्यादा शेयर। शेयर करने वाला, लाइक करने वाला वीडियो, मुझे 100% यकीन है अपनी वीडियो पर, आपको खुद फील होगा एंड में जाक, एंड तक अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना कभी मत भूलेगा, ताकि फ्यूचर में मेरा आने वाला कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं जिससे बच्चे को हम पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर क्लास टीचर नेम, व्हाट इज योर ग्रैंडफादर नेम, ग्रैंडमदर नेम। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूं ऑलरेडी। अब बारी आती है इनसे थोड़ा सा हटके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। बेसिक क्वेश्चन तो सब पेरेंट्स पूछते हैं, सबको नॉलेज होती है मम्मा के फोन नंबर्स की, अपने हाउस एड्रेस की, स्कूल एड्रेस की। इसके आगे क्या आता है, हम बच्चों से पूछ सकते हैं व्हाट इज योर फेवरेट कलर। मैंने बहुत से बच्चों को ऑब्जर्व किया है जो 3 इयर्स के होते हैं, 4 इयर्स के होते हैं, उनको टीवी के गाने बहुत ज्यादा लर्न होते हैं, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, कि आपका फेवरेट पसंद आने वाला कलर कौन सा है, उनको नहीं पता होता। वो बोलते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, जो जो उन्होंने पहना होता है ना, वो कलर्स बोलने लगते हैं। फेवरेट कलर उनको पता ही नहीं होता कि फेवरेट है क्या चीज। आप बच्चों को बताइए कि बच्चों आज आपके सामने ये सारे कलर्स पड़े हैं, रखो अपने बेबी के सामने सारे कलर्स रखो एग्जाम्पल के लिए। अब आप बताओ आप सब में से अच्छा कलर कौन सा लगता है, जो आपको लगता है कि आपको पसंद है, आपकी आईज को अच्छा लग रहा है और आपको लगेगा कि मैं इसको पहन के बहुत सुंदर लगने वाला हूँ या लगने वाली हूँ। उनको बताइए कि फेवरेट का मीनिंग क्या होता है, समझाइए प्यार से उनको। अगर आप 2-3 दिन, बच्चे बहुत शार्प होते हैं माइंड में, बस उनका माइंड डेवलप करने की जरूरत है, हम उनको निखारेंगे तो बहुत जल्दी निखरते हैं वो। आप उनसे पूछेंगे 2-3 दिन भी अगर आप फॉलो करेंगे ये चीज स्टेप, वो फट से बता देंगे कि दिस इज माय फेवरेट कलर या दैट इज माय फेवरेट कलर। इंस्टेंट बताएंगे कि मेरा ये कलर फेवरेट है या वो कलर फेवरेट है, उसका नाम इंस्टेंट बताएंगे। तो ये चीज जरूर एड ऑन करिए अपने डेली बेसिक के क्वेश्चंस में। इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम निकालने की जरूरत नहीं, खेलते खेलते, बॉल से खेल रहे हैं तो पूछ सकते हैं, खाना खिला रहे हैं तो पूछ सकते हैं, कार्टून देख रहा है बच्चा तो पूछ सकते हैं, एंटरटेनमेंट कहीं भी हो सकता है बच्चों का। अब बारी आती है नेक्स्ट नॉलेजेबल क्वेश्चन की। अब हम उनसे पूछेंगे जब उनको ड्रेस पहनाते हैं तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट आर यू वेयरिंग, मतलब उनको पता होना चाहिए कि मैंने शॉर्ट्स पहना है उसको शॉर्ट्स कहते हैं, इसको टॉप कहते हैं, या जो मैंने स्कर्ट पहना है इसको स्कर्ट कहते हैं, उनको डिफरेंशिएट पता हो। हर किसी को वो अपने कपड़े या क्लोथ ना कह दें या पैंट शर्ट ना कह दें, उनको हर कपड़े की पहचान बताइए। स्कर्ट पहनाए है तो स्कर्ट बताइए, टॉप पहनाया है तो टॉप पहनाइए, अगर कोई फ्रॉक पहनाई है बैकलेस वाली तो वो, बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ्स आते हैं, बहुत वैरायटी होती है, तो उनको हर कपड़े की पहचान बताइए ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, वो गेन कर सके कि आपके साथ कभी शॉपिंग पे जा रहे तो बता सके अपनी चॉइस, नहीं मम्मा मुझे जीन्स नहीं मुझे स्कर्ट लेना है, मुझे स्कर्ट नहीं मुझे शॉर्ट्स लेना है, वो डिफरेंशिएट कर सके। तो आपको भी उस टाइम बहुत कहते ना प्राउड फील होता है, मतलब लगेगा कि हाँ थोड़ा सा टचनिंग सा कि देखो यार सब लोगों के बच्चों के बीच में उसने सेम एज ग्रुप का बच्चा खड़ा है जो चुपचाप खड़ा हुआ है कि मेरे लिए कोई कपड़ा भी लिया जा रहा है उसके लिए मैटर नहीं करता, और आपका बच्चा फट से एकदम से एनर्जेटिक होकर बोलता है नहीं नहीं मुझे स्कर्ट लेना है, मुझे ऐसा वाला फ्रॉक लेना है, बैकलेस लेना है, तो आपकी इमेज एकदम से बढ़ जाती है, प्राउड फील करते हैं कि हाँ हमारा बच्चा नॉलेजेबल लग रहा है सारे बच्चों के बीच में, और उससे क्या होगा फ्यूचर में भी उसकी नॉलेज बहुत इनहांस करने के लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। फ्रेंड्स, अब हम उससे एक और चीज पूछ सकते हैं
कहते हैं कि टेल मी द अदर कलर ऑफ योर ड्रेस। अगर आपने पूछा, सपोज आपने एक प्रिंटेड कलर का फ्रॉक बना रखा है बच्चे को, जैसे आप मेरा देख रहे हैं कि मेरा टॉप है ये ब्लू एंड व्हाइट है, तो ऐसे बच्चे ने कुछ पहना हुआ है डबल कॉम्बिनेशन या ट्रिपल कॉम्बिनेशन के, तो एक तो बता दिया उसने ब्लू पहना है। आप उससे फिर से पूछे कि अदर कलर मुझे बताओ, कि दूसरा कलर कौन सा है, तो आपको ब्लू दिख गया, अदर कलर बताओ, तो वो बोलेगा कि व्हाइट है या पिंक है। इससे क्या होगा, उसकी ग्रैपिंग पावर, कैचिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी और उसकी नॉलेज बढ़ने लगेगी, जो आपके लिए अच्छा है आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बच्चों से क्या पूछेंगे, कुड यू टेल मी फ्यू नेम ऑफ सीजन्स, जो सीजन्स होते हैं हमारे, समर रेनी विंटर, यानी गर्मियां सर्दियां बारिश का मौसम, उनके नाम क्या है। यानी हम उनसे पूछेंगे, बच्चों आपको पता है हमारे कितने तरह के मौसम होते हैं, सीजन कितने तरह के आते हैं। आप उनको ये नॉलेज देंगे तभी, ये जरूरी फिक्स नहीं कि वो 4 साल बाद स्कूल जाएगा अपने आप उसकी मैम पढ़ाएंगे कि भैया एक गर्मियों का मौसम होता है, एक सर्दियों का मौसम होता है, एक बारिशों का मौसम होता है, ऐसा नहीं। आपको पूछना है उससे डेली बेसिस के क्वेश्चन पे कि देखो अब क्या लग चल रहा है, अगस्त चल रहा है, बहुत रेनी सीजन है इस टाइम पे, जुलाई तो सबसे ज्यादा रेनी सीजन होता है, डिफरेंशिएट करना बताएं कि मार्च से लेकर या जून तक जो है बहुत समर सीजन स्टार्ट हो जाता है और जुलाई के बाद हमारा जुलाई और मार्च वो लर्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप 3 सीजन उनको सिखा सकते हैं, समर, विंटर और रेनी सीजन, तो वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि बारिश आएगी, बता पाएंगे कि मम्मा रेनी सीजन है, मम्मा ठंड लग रही है यानी विंटर सीजन है, और बहुत गर्मी लग रही है तो समर सीजन है, वो अच्छे से बता पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे, टेल मी द डेज ऑफ द वीक, क्या मतलब कि हफ्ते के सारे दिन उनको लर्न करवाइए, कैसे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। स्टार्टिंग में बच्चे क्या करेंगे, आपने बोला मंडे से संडे तक, ठीक है, बच्चे बोलेंगे मंडे के बाद संडे आ गया, संडे के बाद बोलेंगे वेडनेसडे आ गया, ऐसे मत लर्न करवाइए। स्टार्टिंग 2 डेज रखिए, मंडे और ट्यूसडे। वीक के फर्स्ट डे क्या आता है बच्चों, पूछिए उनसे क्या आता है, मंडे, और उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे, जो वो लर्न कर लेगा कि मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। ABCD भी आपने इस तरह से लर्न करवाई है ना, कि ए के बाद बी सी, ऐसा नहीं सिखाया कि ए के बाद जेड, ऐसे नहीं सिखाया ना, तो वो तो बहुत कम डेज है, सिर्फ 7 डेज हमें सीखने हैं, सिखाने हैं बच्चों को, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, जब उनको लर्न हो जाएगा। डेली उनको डेज बताइए कि आज मंडे है, आप स्कूल का जो वीक का फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ है, आप स्कूल जा रहे हैं, नेक्स्ट डे क्या आया है, आप स्कूल से आए बच्चे तो क्या डे है, ट्यूजडे, उसके बाद नेक्स्ट डे आप स्कूल जाने वाले हैं, वो डे होगा वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे को हमें वहां जाना है, तो बच्चा याद रखेगा कि नहीं मम्मा ने कल कहा था वेडनेसडे, अब थर्सडे आने वाला है, यानी थर्सडे को मम्मी ने वहां लेके जाने के लिए प्रॉमिस किया था, तो कहां लेके जाएंगे, उनको डेज याद रहेगा कि थर्सडे को कहा था, संडे को कहा था नानी हाउस जाना है, या संडे को कहा था कहीं और जाना है, तो ऐसे बच्चे ना बहुत जल्दी लर्न करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप उनको कुछ हैप्पी मोमेंट बताएंगे कि ये करना है इस डे, वो करना है, तो ऐसे इनको 7 डेज लर्न हो जाएंगे। बट अपने अंदर पेशेंस रखिए, चिल्लाइए मत बच्चों को, बहुत नाजुक दिल होता है उनका, अच्छे से उनको पेशेंसली बताइए, थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन सीखने के बाद उनकी याददाश्त हमसे भी ज्यादा तेज होती है, लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं वो सब चीजें। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बच्चों को बताएंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मींस कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कितने तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहां कहां चलते हैं, कार कैसा ट्रांसपोर्ट है, मतलब कहां चलता है, कहां का ट्रांसपोर्ट है वो, रोड ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन कहां का ट्रांसपोर्ट है, एरोप्लेन इज अ एयर ट्रांसपोर्ट, शिप कहां का ट्रांसपोर्ट है, कहां का, ये मेन चीजें हैं, जैसे कार, व्हीकल, वो तो बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं रोड पे, लेकिन वो रोड ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, एरोप्लेन होता है एयर ट्रांसपोर्ट, और शिप क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी में चलता है, तो ऐसे आप उनको सिखाइए, तब आप कभी शिप में लेके जाएंगे तो वो याद रहेगा कि मम्मा ने कहा था, ओ क्लिक करेगी उनके माइंड में एकदम से बात कि हाँ जो शिप है वो वाटर ट्रांसपोर्ट था, मम्मा ने कहा था, एरोप्लेन में जाएंगे तो क्या याद आएगा कि एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट है, ये कार में बैठेंगे, रिक्शा में बैठेंगे, तो ये सब रोड ट्रांसपोर्ट है जो रोड पे चलते हैं, ऐसे उनको समझाइए, उनकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आप उनसे पूछिए हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, कौन प्लेन उड़ाता है, वो बताएंगे, आप उनको सिखाएंगे कौन, पायलट, पायलट जो है एरोप्लेन उड़ाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आप बच्चों से पूछेंगे कि शिप पानी में कौन चलाता है, उनको नॉलेज होनी चाहिए ना, तो आप बताएंगे कैप्टन। उसके बाद आप पूछेंगे कि हु ड्राइव्स अ कार, मतलब पूछ सकते हैं ये कार कौन चलाता है, ड्राइवर, वो आंसर देंगे आपको ड्राइवर, मतलब जो कार ड्राइव करता है उसको ड्राइवर बोलते हैं, ऐसे जो शिप चलाता है उसको कैप्टन बोलते हैं, जो एरोप्लेन चलाता है उसको पायलट बोलते हैं। तो ये है ना नॉलेजेबल क्वेश्चन, जो आपको डेली बेसिक पे उसको रिवाइज करवाना चाहिए ताकि उसका माइंड डेवलप हो। अब बारी आती है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। वेयर इज अ कार पार्क्ड,
मतलब कार जो होती है कहाँ पार्क होती है। आप कार में मम्मा पापा के साथ जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती 4 ईयर्स के बच्चों को। आप 2 ईयर्स से बच्चों को समझाना स्टार्ट करें, दिस इज अ पार्किंग लॉट, यहाँ पे कार पार्क होती है। उनको नॉलेज होनी चाहिए कि पार्क जो कार है वो कहाँ पार्क होती है, पार्किंग लॉट में। करेक्ट। नेक्स्ट हम उनसे पूछेंगे वेयर डज एरोप्लेन लैंड, कहाँ एरोप्लेन लैंड होता है, एयरपोर्ट पे। कहाँ लैंड होता है एरोप्लेन, एयरपोर्ट पे। करेक्ट, उनकी नॉलेज बढ़ाइए। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द फूड यू ईट इन द मॉर्निंग, क्या बोलेंगे, मॉर्निंग कॉल्ड ब्रेकफास्ट, जो हम दिन में करेंगे डे टाइम में कॉल्ड लंच, और जो नाइट में करेंगे इट्स कॉल्ड डिनर। उसको डिफरेंशिएट करना बताइए कि अगर हम मॉर्निंग में सुबह नाश्ता कर रहे हैं सोने के उठने के बाद में, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। जब डे टाइम हो गया, सन बहुत तेज है, बाहर बहुत धूप है, या 1-2 बजे का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट के बाद जो हम करते हैं उसे लंच बोलते हैं। अब क्या बारी आती है जब बाहर डार्क हो गया, एकदम लाइट हो गई, अंधेरा हो गया है, लाइट चली गई है, मतलब सनलाइट जा चुकी है और अंधेरा हो चुका है, नाइट टाइम में जो हम खाएंगे उसको क्या बोलते हैं, डिनर। तो ऐसे उसके नॉलेज पड़ेगी, कहीं आप बैठे होंगे या कहीं जा रहे होंगे तो उसको पता होगा कि पापा ने आज डिनर के लिए प्रॉमिस किया था, या मामा ने डिनर के लिए प्रॉमिस किया था, या लंच के लिए प्रॉमिस किया था। उससे आपको अच्छा फील होगा कि बच्चे को नॉलेज बढ़ती जा रही है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर उसको टाइमिंग के अकॉर्डिंग, मतलब अगर वो बाहर जाके देखेगा कि हाँ हाँ छोटा बच्चा है तो 3 साल का कैसे पता लगा पाएगा, टाइमिंग तो उसको देखना नहीं आता वॉच पे, बट ऑब्वियसली वो बाहर का शेड्यूल देख के बताएगा आपको कि बहुत सनी टाइम है, मतलब बहुत धूप निकल रही है, तो यानी मैं लंच करने वाला हूँ, मुझे लंच पे लेके जाना था आप लोगों ने, रात हो गई है पापा तो मुझे डिनर पे लेके जाना था आप लोगों ने। तो ऐसे वो नॉलेज बढ़ाइए उसकी। अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु लिव्स विद यू इन योर फैमिली। अब हम बच्चे से क्या पूछेंगे कि आपके अलावा आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है, उसकी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। फर्स्ट वो क्या बताएगा, एक तो मी मायसेल्फ, मैं रहती हूँ या रहता हूँ, और दूसरा मेरे मामा, मेरे पापा, मेरे दादू, मेरे ग्रैंडफादर यानी ग्रैंडमदर यानी दादी, मेरे चाचू अगर आपकी चाची है तो, मतलब वो अपनी फैमिली मेंबर्स को काउंट करना स्टार्ट करेगा, उसकी नॉलेज बढ़ेगी कि मेरे अलावा मेरी फैमिली में कौन रहते हो, प्रिपेयर रहेगा, कल को उसके स्कूल में पूछा जाएगा तो वो प्रिपेयर रहेगा क्वेश्चंस के लिए, या नेबर्स में भी आप कहीं जा रहे हैं किसी छोटी सी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, वहाँ पे किसी ने पूछा तो आपको शाय फील नहीं होगा कि नहीं यार छोटा है अभी कैसे पता होगा, ये एक्सक्यूज मत दीजिए, छोटा है तो उसकी नॉलेज बढ़ाइए, छोटा उसकी एज है, बड़ा उसको दिमाग से आपने बढ़ाना है, एज को तो बड़ा नहीं कर सकते, वो तो टाइम पीरियड के साथ बड़ा होगा, लेकिन दिमाग उसका आप बढ़ा सकते हैं एज अ पेरेंट्स, आपकी बहुत ड्यूटी बनती है। अब हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, गुड मैनर्स। क्या होते हैं गुड मैनर्स, बेसिक चीजें कि व्हेन समबडी गिव्स यू समथिंग, मतलब अगर आपको किसी ने कोई चीज दी है तो आप क्या करोगे, सपोज अगर आंटी ने आपको टॉफी दी है तो आप से थैंक यू आंटी, से थैंक यू दादू, से थैंक यू दादी, या से थैंक यू पापा, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। बच्चा एक अच्छे मैनर सीखता है, ये मत कहिए कि मैं ऐसा मम्मा हूँ मेरे तो फर्ज बनता है मेरे को थैंक यू क्यों, अगर आज वो आपको थैंक यू बोलेगा तभी उसको फील रियलाइज होगा कि हाँ अगर मैंने किसी से कोई चीज ली है, कोई मांगी है या किसी मुझे कोई चीज दी है तो मुझे थैंक यू बोलना है, अगर किसी ने प्यार से मुझे कुछ गिफ्ट दिया है तो थैंक यू बोलना है। घर से शुरुआत करिए, तब बच्चा बाहर उस चीज को फ्रेंडली बोल पाएगा, ओपनली बोल पाएगा, नहीं तो शाही ही फील करता रहेगा और वो हल्का सा स्माइल करके मुस्कुरा देगा जो ठीक नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। When you ask something from somebody, अगर हमने किसी से कुछ पूछा है, कुछ कहा है तो क्या बोलेंगे, कैसे पूछेंगे, प्लीज उसको समझाइए कि अगर मुझे मम्मा ये चीज चाहिए, मैं कुछ पूछ रही हूँ कि मैं आपसे ये चीज पूछूं तो प्लीज मुझे आप बता सकते हैं कि ये चीज मम्मा कहाँ रखी है, प्लीज मम्मा मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे पढ़ाई कब करवाएंगे, प्लीज मम्मा मुझे बता सकते हैं कि मेरे को वो टॉफी आप कब लेके देंगे जब मैं अच्छा स्टडी करूंगी, या अच्छे से आप क्लास में फर्स्ट आके दिखाओगे तब मुझे वो वाला गिफ्ट मिलेगा। उसको समझाइए कि जब हम किसी से कोई चीज रिक्वेस्टिंग करते हैं या मांग रहे होते हैं तो प्लीज करके अच्छे से हम्बल तरीके से मांगते हैं, ये नहीं कि मुझे ये चीज दे दो मैं तो पढ़ाई नहीं कर चुका हूँ मुझे ये चीज चाहिए, बड़े इमैनर्स बच्चे होते हैं ऐसे, वो तरीका गलत होता है। बच्चों में एक मैनर्स क्रिएट करिए बचपन से, 2 या 3 साल में आपको टॉफी चाहिए तो प्लीज बोलिए मम्मा को, पापा को प्लीज बोल के बात करिए, रिस्पेक्ट से बात करिए। अब बारी आती है तीसरे थर्ड गुड मैनर्स की, व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, अगर आपने कुछ गलत किया है बच्चे ने तो उसको पता होना चाहिए कि उसने सॉरी बोलना है। अगर बच्चे को पता, सब बच्चों को नॉलेज होती है कि उसने ये चीज तोड़ दी या मम्मा से बिना पूछे 2 टॉफीज खा ली, वो भी हम मना करते हैं क्योंकि कैविटी हो जाती है, तो इट मींस उसने खा ली, उसका बचपना था, लेकिन वो फील करे कि मम्मा सॉरी मेरे से ये मिस्टेक हुआ, आपने मुझे बोला था 1 टॉफी के लिए और मैंने फिर भी 2 टॉफीज खा ली तो उसके लिए सॉरी, वो फील करे, उसको फील करवाओ कि कुछ अगर हमने गलत करा है मतलब कुछ भी समथिंग रॉन्ग किया है तो उस पर वो सॉरी फील करे। ये हमारे गुड मैनर्स हैं बच्चों को सिखाने के लिए, बेसिक मैनर्स जो आप 2-4 के एज ग्रुप के बच्चों को सिखा सकते हैं, ये सारी चीजें फॉलो करवा सकते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अब हम उससे क्या पूछेंगे, व्हाट इज योर कंट्री नेम, आपकी कंट्री का नाम क्या है, उसको नॉलेज बढ़ाइए, थोड़ा सा उसके नॉलेज और गेन अप करिए,
क्या नाम है उसको सिखाएंगे इंडिया. इंडिया इज योर कंट्री नेम. करेक्ट. उसको रिपीट कराइए डे बाय डे, उसको लर्न हो जाएगा, उसकी नॉलेज इनहांस करिए. अब आप उससे पूछेंगे हु इज योर प्राइम मिनिस्टर, आपका प्रधानमंत्री कौन है. नरेंद्र मोदी. बच्चे को दो वर्ड्स तो इजीली लर्न हो जाएंगे. अगर वो लाइन नहीं भी बोल पाएगा कंप्लीट इंग्लिश में या हिंदी में तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है. दोनों चीजें उसको लर्न करवाइए, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी, ताकि उसको बेसिक चीजें नॉलेज हो. हम घर से अगर बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वर्ड्स पूछेंगे, खुद आपस में बोलेंगे, तब बच्चा सीखता है. स्कूल में इंग्लिश में पढ़ा लो या कितने भी महंगे स्कूल में पढ़ा लो, बच्चा इंग्लिश नहीं बोलेगा जब तक आप लोग उससे स्टार्ट नहीं करेंगे. इंग्लिश आप लोगों को नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वर्ड्स तो आते हैं, नेट तो है, उस पर तो सर्च करके बोल सकते हैं ना बेसिक चीजें. मैं आपके लिए इसके लिए भी वीडियो लेकर आऊंगी. आप उसको नॉलेज बढ़ाइए कि आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है. नरेंद्र मोदी जी. अब आप बच्चे से पूछेंगे व्हाट इज योर प्रेसिडेंट नेम, आपके प्रेसिडेंट का नाम क्या है. रामनाथ कोविंद. आप उसके नॉलेज बढ़ाइए ताकि ऐसा नहीं होगी जो बड़ा होगा खुद न्यूज सुन लेगा या खुद नॉलेज गेन कर लेगा. ऐसा नहीं, जब आप किसी से बच्चे के सामने या चार लोग जब खड़े होते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है जब उसको हमारे प्रेसिडेंट का नाम पता हो, प्राइम मिनिस्टर का नाम पता हो. अब आप उसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, तो बच्चा क्या बताएगा. जन गण मन, जो स्कूल में उसको सिखाते हैं. इंग्लिश में भी उसको लर्न करवाइए लाइंस कि नेशनल एंथम क्या है इंडिया का, जन गण मन. ये चीजें उसको बहुत बेसिक है जो उसको इंग्लिश में हेल्प करती है. अगर आप बेसिक सेंटेंस सिखाएंगे तभी वो आगे इंग्लिश के वर्ड्स बोल पाएगा, नॉलेज गेन कर पाएगा. व्हाट इज नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया. अब आप उससे पूछेंगे कि इंडिया का नेशनल फ्रूट क्या है. मैंगो. जी हाँ, मैंगो बच्चों का बहुत फेवरेट फ्रूट है. मीठा होता है ना, तो बच्चों को वैसे भी खुद भी बहुत मीठे मीठे होते हैं, उनको मीठी चीजें भी बहुत पसंद होती है. तो आप उनसे पूछिए कि मैंगो जो है, बताइए उनको कि मैंगो जो है हमारे इंडिया का नेशनल फ्रूट है. करेक्ट. व्हाट इज योर नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. क्या आएगा, पिकॉक यानी मोर. मोर जो है वो नेशनल बर्ड है इंडिया का. करेक्ट. अब उसको आप नॉलेज एक और चीज के लिए बढ़ाइए. व्हाट इज अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया. उसको नॉलेज दीजिए कि हॉकी, हॉकी इज अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया. हॉकी जो है वो नेशनल गेम है इंडिया का. ठीक है. अब बारी आती है व्हाट इज अ करेंसी ऑफ इंडिया. इंडिया की करेंसी क्या है, यानी आप उसको आंसर देके बताएंगे रुपीज. रुपीज जो होता है इंडियन की करेंसी है. इंडिया की करेंसी जो है वो रुपीज है. ये सारे आपके बेसिक क्वेश्चन एंड होते हैं. आपको मैंने नॉलेज वाली चीजें इसलिए बताई है कि हर पेरेंट्स को ये सारे रूल्स ये फॉलो करने चाहिए. आप वीडियो को दोबारा रीप्ले करें, कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, अपने पास लिख सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और लाती रहूं सेंटेंस सिखाने की, बच्चों को इंग्लिश के वर्ड सिखाने की, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी इस वीडियो को ब्लॉकबस्टर यानी हिट करना पड़ेगा. मानते हैं ना कि वीडियो सच में लाइक करने वाला है, हर पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी नॉलेजेबल है और जो पेरेंट्स बन चुके हैं उनके लिए भी नॉलेज वाली चीजें हैं कि 2 to 4 ईयर्स के बच्चों को ये नॉलेज हमें खुद से देनी चाहिए. प्लीज उनका माइंड जो है बहुत अच्छा होता है, उसको डेवलप करिए, इनहांस करिए, बढ़ाइए उनको, ताकि बच्चे बड़े होकर छोटी उम्र में उनका बड़ा हुआ दिमाग आपके लिए भी सफल हो और उनके लिए भी कारगर साबित हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.